करो। ये दो चार भाई लोडिंग लेके आए हैं, मेहराबपुर की है, मेहराबपुर का फर्नीचर जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरी गाड़ी है अवाम एक्सप्रेस और मैं जा रहा हूँ खानेवाल से रोहरी। दोस्तों खानेवाल से हमारा डिपार्चर हो चुका था, अब हम पहुँचे हैं मुल्तान। यहाँ पे तकरीबन 10 पैकेजेस हैं, वो अनलोड होने हैं। दो टीके आ गए और एक सीएन रूमलर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद एक सीएन ड्रायर आ गया, ये पड़ा जी आ गया, एक ड्रम आ गया, ठीक है, एक एडोटीन हो गया, ठीक है, तीन सीपी हैं, दो उधर पड़े, इधर पड़े, ठीक है, एक वुडन टेबल है, ठीक है, नौ नग ये हो गए और एक कवर उधर गया, हाँ। दोस्तों मुल्तान 8 मिनट का स्टॉप था, 8 मिनट का स्टॉप मुकम्मल होने के बाद हम मुल्तान से हमारा डिपार्चर हो रहा है। दोस्तों हम लोधरा रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं और हमारे सामने अप लाइन पे आ रही है 41 अप कराकरम एक्सप्रेस। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर, अजान फजर भी शुरू हो चुकी है, यहाँ पे भी अनलोडिंग है, कुछ चेयर्स वगैरह उतरनी है, टेबल उतरने हैं, वो अनलोड करवाते हैं और दोस्तों फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ ठीक हो। ये टेबल है, वुडन टेबल भी है, इसका प्लास्टिक टेबल, ये केज भी आपके हैं, हाँ। बहावलपुर में अनलोडिंग कराने के बाद हम यहाँ से बहावलपुर से मूव कर चुके हैं। टाइम हो रहा है 5:10 और हम इस वक्त मौजूद हैं समा सटा रेलवे स्टेशन पे। जी दोस्तों हम पहुंचे थे डेरा नवाब साहिब और 2 मिनट का स्टॉप करने को हम चल पड़े थे डेरा नवाब साहिब। जो दो ये प्लास्टिक कैन जो ये आपको नज़र आ रही है, ये अनलोड हुई थी बस। Thank you.
तो आगे से आ रही है आपकी ट्रेन, देखिए कौन सी ट्रेन है, तो कैप्चर करते हैं। पहुँचे हैं हम लियाकतपुर रेलवे स्टेशन पर। जी राइट खलील साहब, राइट सर, बिस्मिल्लाह करें। दोस्तों टाइम हो रहा था 6:22 और हम पहुँचे थे लियाकतपुर। लियाकतपुर 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद हम लियाकतपुर से अब चल पड़े हैं। लूप लाइन पे खड़ी हुई है ZBK स्पेशल, जो कि यूसा वाला से जो कोयला है वो खाली करके वापस आ रही जा रही है कराची की तरफ। लोकोमोटिव है ZBK का 9040GU। हम पहुँचे हैं खानपुर। ये दिलशाद भाई लोडिंग लेके आए हैं मेहरापुर की। ये मेहरापुर का फर्नीचर जा रहा है। एक मिनट देता हूँ। खानपुर में अनलोडिंग तो कोई नहीं थी, ये लोडिंग हो रही है फर्नीचर की। दोस्तों खानपुर 5 मिनट का स्टॉप करने के बाद हम खानपुर से इस वक्त रवाना हो रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट गाड़ी हमारे लिए चल रही है। यार इसको कहना पाँव ऊपर कर लो। इन भाई साहब के काम चेक करो, पाँव लटका के बैठे हुए हैं। Thank you.
چیک کرو یار، خیال کیا کرو، بڑا رسکی کام کرتے ہیں یہ لوگ. یہ ہے جی سامنے خانپور کا ٹرن ٹیبل، جہاں پہ انجن کا رخ چین سے جاتا ہے، جس پہ اس کو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے. آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بآسانی ایک شخصوں سے وہ پورے انجن کو گھما دیتا ہے. خانپور سے گاڑی جو کرو ہے، کرو کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، لوکوموٹو بھی نظر آ رہا ہے پورا. یہ ہے جی ریلوے کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے، جس کے ذریعے ریلوے کمیونیکیشن کرتی ہے، اس کے اپنے پراپر سگنلز ہوتے ہیں. دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پہ نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ اور شیئر لازمی کر دیا کریں. دوستو سامنے سے آ رہی ہے ذکری ایکسپریس، جسے ڈیول کیمرے سے کیپچر کرتے ہیں. سٹاپ ڈیٹ پہ دیکھیں، سٹاپ ڈیٹ کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا جو سگنل لگا ہوا ہے، یہ سٹاپ ڈیٹ بیسیکلی ہوتا ہے، اور یہاں رکنا ہوتا ہے ٹرین نے. اور یہ دیکھیں آپ 10 کلو میٹر اسپیڈ کا بورڈ جو لگا ہوا ہے، تو رکتے ٹرین نے جو اس بورڈ لگا ہوتا ہے اس کاشس اسپیڈ کے اوپر ٹرین کو گزرنا ہوتا ہے، کیونکہ آگے ٹریک کے اوپر کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی ٹریک ویک ہوتا ہے. جیسے اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹریک ہے، یہ ورک ہو رہا ہے ٹریک پہ، یہ پولی بن رہی ہے. اچھا دوستو، جیسے یہ ٹرین کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کو یہ جو سگنل ہے نظر آتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد سائن کیے جاتے ہیں، یعنی اکنالجمنٹ کی جاتی ہے کہ یہاں پہ ہم نے رک کے کاشیس اسپیڈ پہ جانا ہے. اور ٹرین کو جیسے آپ نے دیکھا 10 کلو میٹر کا بورڈ لگا ہوا تھا، تو 10 کلو میٹر کے بورڈ کے رفتار سے ہی گاڑی جو سی ہے نا وہ گزرے گی. اور یہ 10 کلو میٹر تک ہم لوگ تب تک چلیں گے جب تک آگے کلیئر بورڈ نہ آ جائے. یعنی آگے دیکھیں گے، آگے کلیئر بورڈ آئے گا تو ہم جو اپنی جو دوبارہ جو اسپیڈ ہے گا ٹرین کی ڈیو اسپیڈ، وہ اس کے اوپر ہم واپس آ جائیں گے. اور جب تک جو ٹرین ہے وہ کاشس اسپیڈ پہ، کاشس سے مراد ہے بالکل محتاط اسپیڈ پہ، کہ واکنگ ڈسٹینس سے کہہ لیں آپ، کہ اگر ٹرین کو روکنا مقصود ہو تو ایزیلی روکا جا سکتا ہے. ہم کھڑے ہو گئے تھے کوٹ سماوا آؤٹ سائڈ، یہاں پائلٹنگ ہے ہماری. یہ بھائی جا رہے تھے ٹریکٹر والے، ان کا جو ٹریکٹر ہے وہ اب پھنس گیا ہے، اس کو وہ چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹرین جرنی کے اندر مختلف جو واقعات ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے، کوئی اپنے کس کام میں لگا ہوا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، کوئی کسی کو ہنسا رہا ہوتا ہے، کوئی ٹرین کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب شاید یہ چل جائے گا ٹریکٹر. اب دیکھیں ہماری گاڑی بھی موو ہو گئی ہے. ہاں جی چاچا کیا حال ہے؟ ہاں جی چاچا کیا حال ہے؟ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ نہیں سن رہے ہماری. یہ سب سے
आप। फोर्टीन डाउन अवाम एक्सप्रेस इस वक्त पहुंची है रहीम यार खान आ रहे हैं जी, अरफान भाई एक मोटरसाइकिल लेके लोडिंग करने के लिए। हाँ जी, क्या हाल है? हाँ क्या हाल है? नहीं मेल बैग कोई नहीं, हाँ नहीं अनलोडिंग कोई नहीं, बल करो लोड। जब जगह होती है सामान नहीं होता तुम्हारे पास यार। ये घोटकी का इधर कर देना डाइस ना, पहले मोटरसाइकिल डालो। कहाँ गया मोटरसाइकिल? हाँ बस ये मोटरसाइकिल लोड होने के लिए आई है कराची के लिए। रहीमर खान दो मिनट स्टॉप करने के बाद हमारी गाड़ी यहाँ से रहीमर खान से मूव कर गई है। रहीमर खान के बाद नेक्स्ट स्टॉप हमारा जो है वो सादिकाबाद है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे ज़्यादातर अनलोडिंग और लोडिंग होती है, बड़ा स्टेशन है, लेकिन आज सिर्फ एक मोटरसाइकिल लोड होने के लिए आई है और कराची की। आज ब्रेक में जगह भी काफ़ी सारी है। हम इस वक्त पास कर रहे हैं आदम साहब रेलवे स्टेशन। ये रहीमर खान सादिकाबाद के दरमियान में रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे हमें मिली है TMC पेपर लाइन क्लियर। ये खड़ी है जी दोस्तों 37 फरीद एक्सप्रेस सादिकाबाद रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों FFC में यहाँ पे सोना यूरिया जो है खाद वो तैयार हो रही है और यहाँ पे रेलवे लाइन भी अंदर जा रही है जहाँ से जो गुड्स ट्रेन है मालगाड़ी वो लोडेड होती है और लोडेड होके जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है वहाँ पे सप्लाई की जाती है। वो
देख रहे हैं आप दोस्तों, रेलवे लाइन अंदर किसी की मालगाड़ी खड़ी नहीं है अंदर, वरना आपको मालगाड़ी के साथ नजर आई थी जो लोड हो रही होती है। ये देख लें जी, ये रेलवे लाइन आ रही है, ये देखें ये लाइन जा रही है स्टेशन से, तो मालगाड़ी जो अंदर बैठे हैं खाली और लोडेड होके बाहर आती है उस लाइन से। दोस्तों हम रुके हैं स्टॉपडेड पे शहीद हैदर अली रेलवे स्टेशन और रेतरी रेलवे स्टेशन के दरमियान स्टॉपडेड लगा हुआ है। यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब जो काव है भैंसें हैं वो माशाल्लाह यहाँ पे नज़र आई हैं, और पानी का जो छोटा सा तालाब टाइप बना हुआ है उसको एंजॉय कर रही हैं। तो टाइम हो रहा है 10:51 और हम इस वक्त पन्नूवाकल रेलवे स्टेशन पे हमारा अराइवल हो रहा है। जी ड्राइवर साहब, व्हाट इज नाउ राइट सर, बिस्मिल्लाह करें। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं रोहड़ी और हमारी ट्रेन जर्नी यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हुई। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको बताइएगा कि आपको हमारी जर्नी कैसी लगी, और दोस्तों सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।